मेरे साथ कुछ एक्सपीरियंसेस हुए उसी एज में सिक्सटीन सेवनटीन की एज में हाई स्कूल ग्रेजुएशन के करीब और देर स्ट्रेंज एक्सपीरियंसेस एक तो पहला तो था कि आई स्टार्टेड सीइंग सम स्ट्रेंज ड्रीम्स mm -hmm. नमाज के बारे में एंड आई मैंने मुझे इतना अरसा होता नमाज पढ़े कि मैंने मुझे नमाज याद भी नहीं पढ़ते कैसे हैं। mm -hmm. एज क्या थी उस वक्त उस वक्त मेरी सिक्सटीन एंड हाफ सेवनटीन ओके तो खाब मुझे आ रहे थे कि आई वॉज इन माई ग्रेफ एंड आई वॉज फायर आग आ रही थी दोनों तरफ से कबर के अंदर uh -huh. uh -huh. और ये ख्वाब मुझे मैं बहुत घबरा गया इस एक से. ही खाद बार बार आता था या एक ही दफा ये एक ही दफा आया और उसने मुझे बहुत डरा दिया uh -huh. और डरने के बावजूद उसका इतना कोई ज्यादा असर नहीं पड़ा नहीं पड़ता <laughs> नहीं पड़ता <laughs> फिर कॉलेज शुरू हुआ कॉलेज <laughs> में यू नो आई जस्ट हैड अ वेरी रेगुलर कॉलेज एक्सपीरियंस लेकिन एक दोस्त की वजह से जो मैं क्योंकि अबू चले गए थे मेरी जॉब थी और कॉलेज था तो मैं ट्रेन लेके जाया करता था कॉलेज और जॉब पे और फिर धक्के खा के ट्रेन में और बस में वापस घर पहुंचता था तो एक दोस्त कॉलेज में बना उसकी बड़ी अच्छी गाड़ी थी हेयरअलसेस और वो रहता था लॉन्ग आइलैंड में अमीर लोगों के मोहल्ले में अच्छा तो वो हमारे गांव से गुजरते हुए लॉन्ग आइलैंड जाते हैं क्वीन से होते हुए तो वो कहता था मुझे मैं तुम्हें रस्ते में छोड़ देता हूँ तो वो मुझे राइड दिया करता था रोज़ाना और मैं भी अ फ्री राइड यू यू नो नो तो एलेक्सेस मच प्रेफर्ड ओवर द सब सिस्टम इन न्यूयॉर्क सिटी तो वो मुझे रोज़ राइड देता रहता था हम हर तरह की चीज़ों के बारे में बात करते थे लेकिन मैंने नोटिस किया उसमें कुछ चीज़ें थी जो मुख्तलिफ थी एक mm -hmm. तो ये कि वो कभी इनप्रोप्रियट बात नहीं करता था mm -hmm. और न्यूयॉर्क में गंदी जमान इस्तेमाल करना इट्स लाइक ब्रीदिंग ऑक्सीजन ठीक है अब मैं वापस जाता हूं जब यहां टेक्स से कभी एक आध दिन के लिए भी न्यूयॉर्क तो सड़क पे जो आपको अल्फाज सुनने को मिलते हैं आई हाउ डिड लिव हियर इट्स इनसेन तो खैर वो कभी वो उस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता था दूसरी चीज जो मैंने नोटिस की कि उसने कभी यानी ऑपसिट जेंडर के बारे में कोई इप्रोप्रियट बात नहीं की कोई कॉमेंट्स नहीं किए लड़के यही बातें करते हैं या और फिर तीसरी बात एक दफा हम ट्रैफिक में फंसे हुए थे स्टिल रिमेंबर लॉन्गलैंड एक्सप्रेस वेस पर हम अच्छी तरह ट्रैफिक में फंसे हुए थे तो उसने एग्जिट लेके किसी एक पुरानी सी बिल्डिंग के सामने गाड़ी खड़ी करके मुझे कहता है तुम जरा पाँच मिनट ठहरो मैं नमाज़ पढ़ के आता हूँ अब मगरब का टाइम था वो नमाज़ पढ़ने मस्जिद मश्च... थी कोई पुरानी सी बिल्डिंग थी और उसमें चला गया अंदर नमाज़ पढ़ने मुझे शर्मिंदगी हुई कि पता नहीं मुझे क्या समझता है कि मैं इस लाइक भी नहीं हूँ कि मुझे मस्जिद में बुलाएगा तो मैं भी बहादुर बन के अंदर घुस गया मस्जिद में तो उनकी मगरब की नमाज थी तीन रकात होती है मशि मगरब की नमाज़ में मैं तीसरी रकात में मैं बैठा हूँ और सब ने सलाम फेरा मैंने भी सलाम फेर दिया मुझे इतना भी याद नहीं था कि आपको नमाज़ मुकम्मल करनी होती है मैंने वज़ू भी नहीं किया हुआ था ऐसे ही मैं बस बैठ गया बट आई फेल्ट अ पीस एक दफ़ा जो मुझे सुकून वहाँ पाँच मिनट बैठ के मिला है मुझे उठने का दिल नहीं चाह उसके बाद से मैंने सर्च करना शुरू किया नमाज़ कैसे पढ़ते हैं वज़ू कैसे करते हैं दोबारा से ख़ुद से दोबारा से नमाज़ पढ़नी शुरू की यू नो पुरानी दोस्तियाँ थी और उनके हैंग वगैरह थे मुझे याद है अठारह उन्नीस साल की उम्र में आई टू यू टीज जुनून फैन जुनून यही दोस्ती है से right. तो आई एट कॉन्सर्ट विद सम फ्रेंड्स आई टाइम वॉजन न्यूर्क सिटी तो वह कॉन्सर्ट में छोड़ के आई वन सम पार्ट ऑफ द होटल है वहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही थी तो मैंने कहा यहाँ कोई नहीं दिखेगा क्योंकि मुझे सबके सामने नमाज पढ़ने में शर्मिंदगी होती थी सो आई गो एन साइड दिस कंस्ट्रक्शन एरिया एंड आई स्टार्ट देखिए सलाह बट इज़ अट्स एन एक्सपेंसिव होटल इन न्यू यॉर्क उनके सिक्योरिटी कैमराज वगैरह होते हैं uh -huh. तो पूरी सिक्योरिटी टीम वहाँ पर आ गई सर वट यू डूइंग और मैं नमाज पढ़ रहा हूँ आई डेंट ब्रेक माई सलात आई फिनिश माई फ्रेयर आई फॉलो जय आई थिंक एक दूसरे से भी कहने लगे आई थिंक इज प्रेंग यू नो और फिर आहिस्ता आहिस्ता हुआ ये कि कॉन्फिडेंस सब बढ़ता गया कि आई आई डिट खेयर कहाँ भी हूँ सब्बे में हूँ पार्क में हूँ सड़क में हूँ नमाज़ का टाइम है तो मैं नमाज़ पढ़नी है नमाज नहीं छोड़नी नमाज के मायने मुझे नहीं आते थे अरबी नहीं आती थी कुछ नहीं आता था बस इतना पता था मैंने नमाज नहीं छोड़नी दिल लग गया था, था दिल लग गया था उसमें उससे मुझे बहुत पीस मिला था पहली दफा दफ़ाई एनी थिंग लाइक उसके बाद मुझे क्यूरसिटी हुई कि अगर नमाज में हम कुरानी पढ़ रहे हैं तो कुरान को समझने की कोशिश करनी चाहिए